हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द कोचिंग क्लास ऑफ आर पी रॉक्स हम लोग एप्टीट्यूड के वीडियोस लेक्चर देख रहे थे अभी तक के छः वीडियोस लेक्चर हमने देख लिए है आज का सातवां नंबर है सातवां नंबर आपको पता है धोनी का भी होता है तो आज के वीडियो लेक्चर में आपको जरूर बहुत खास बातें मिलेंगी और हम एप्टीट्यूड के आज में ऐसे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो गेट में भी पूछे गए हैं या बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम में भी पूछे गए हैं जैसे आप एप्टीट्यूड के एग्ज़ाम देते हैं इंटरव्यू से पहले उसमें भी वो क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत सारी बातें देखेंगे तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू किया था यू बोले तो यूनिट डिजिट वैल्यू तो आपको यूनिट डिजिट वैल्यू का गेट में भी क्वेश्चन आ चुका है आपके कैट एग्जाम में भी क्वेश्चनिंग होती है इसके ऊपर या आप कंपनी के एग्ज़ाम देते हैं सी की तो उसमें भी यूनिट डिजिट के ऊपर गारंटी क्वेश्चन आता है तो यूनिट डिजिट मतलब लास्ट नंबर जैसे मैंने बताया था टू फिफ्टी नाइन तो इसमें यूनिट डिजिट वैल्यू है नाइन यूनिट डिजिट को दूसरा नाम आप लास्ट डिजिट भी बोलते हैं ये याद याद रखना कभी कभी वो लास्ट डिजिट भी बोलते हैं मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल बताया था टू जो वो है हंड्रेड प्लेस पे है फाइव जो है वो टेंथ प्लेस पे है और नाइन जो है वो यूनिट प्लेस पे है इसलिए उसको वन से मल्टीप्लाई किया तो ऐसा ये नंबर बना है टू फिफ्टी नाइन ठीक है एकदम बेसिक से मैंने आपको बताया फ्रेंड्स फिर मैंने आपको बताया पावर साइकिल पावर साइकिल मतलब जैसे वन टू दी पावर एनी थिंग इज वन ये आप जिंदगी में याद रखना वन टू दी पावर करोड़ इज वन जैसे आपको कोई नंबर दिया गया और उसके यूनिट डिजिट में वन है जैसे टू फिफ्टी वन बोला तो आपको यूनिट डिजिट के बारे में बात करना है तो वन टू दावर एनी थिंग इज वन वन का कोई भी पावर वन होता है अगर आपको पूछा कि फाइंड द यूनिट डिजिट या फिर लास्ट डिजिट ऑफ वन ट्वेंटी वन टू दावर टू फिफ्टी वन तो आपको पूरा फोकस यूनिट डिजिट पे करना है वन टू दावर एनी थिंग इज वन दूसरा मैंने आपको बताया था सिक्स टू दावर एनी थिंग इज सिक्स सिक्स टू दावर एनी थिंग इज सिक्स सिक्स को आप कोई भी पावर दे दो वो सिक्स होगा जैसे थर्टी सिक्स टू दी पावर फिफ्टी टू तो इसका यूनिट डिजिट सिक्स हो गया एंड सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज सिक्स मतलब जब आप ये सॉल्व करेंगे तो इसके यूनिट डिजिट में आपको सिक्स मिलने वाला है ठीक है तो ये पता हो ना वन टू दावर एनी थिंग इज वन सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज सिक्स जीरो टू दी पावर एनी थिंग इज जीरो तो सबको ही पता है जीरो का पावर वन जीरो जीरो का स्क्वायर जीरो जीरो का क्यूब जीरो, जीरो का तो जीरो टू दी पावर एनी थिंग इज जीरो होता है जीरो इन टू एनीथिंग भी जीरो ही होता है तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है फ्रेंड उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एक पॉसिबिलिटी है इसको एक पॉसिबिलिटी बोलेंगे वन टू दी दावर एनीथिंग इज वन सिक्स टू दी दावर एनीथिंग इज सिक्स ये एक पॉसिबिलिटी इसके बाद हमने दो पॉसिबिलिटी के बाद में बात की थी ये मैं रिवाइज कर रहा हूँ फ्रेंड ये लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बातें की थी ठीक है बहुत लोग बोल रहे थे थोड़ा सर के ऊपर से गया इसलिए मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ ठीक है अब उसके बाद मैंने बताया था दो पॉसिबिलिटी में नाइन नाइन का ऑर्ड पावर होता है नाइन जैसे आप बोलेंगे नाइन टू पावर वन नाइन नाइन टू पावर थ्री नाइन का क्यूब आपको सबको याद होना सेवन ट्वेंटी नाइन नाइन आता है तो ऐसे नाइन की कोई भी ऑर्ड पावर हो कोई भी तो उसके यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट आपको हमेशा नाइन मिलेगी और नाइन की कोई भी इवन पावर है इवन पावर जैसे नाइन स्क्वायर एटी वन तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा वन मिलेगा तो नाइन के ऑर्ड पावर में हमेशा यूनिट डिजिट नाइन रहेगा नाइन के इवन पावर में हमेशा आपको नाइन मिलने वाला है ठीक है नाइन के इवन पावर में हमेशा आपको नाइन मिलने वाला है जैसे आप नाइन टू दी पावर फोर भी रन करके देख सकते तो सिक्स फाइव सिक्स वन ठीक है तो आखिरी में वन मिला तो नाइन का इवन पावर वन होता है नाइन का ऑड पावर नाइन होता है ठीक है ये दो पॉसिबिलिटी वाले देख रहे हैं अपन ऐसे ही दो पॉसिबिलिटी में और क्या आने वाला है फ्रेंड फोर आएगा फोर का ऑर्ड पावर फोर आता है और फोर का इवन पावर फोर स्क्वायर सिक्सटीन याद रखने की जरूरत नहीं फोर स्क्वायर सिक्सटीन टाइम पे बनाओ नाइन स्क्वायर एटी वन वन आएगा ठीक है फोर क्यूब फोर इंटू फोर इंटू फोर सिक्सटी फोर यूनिट डिजिट फोर फोर टू दावर फोर टू फिफ्टी सिक्स यूनिट डिजिट सिक्स तो ऐसे ठीक है तो ये दो पॉसिबिलिटी वाले मतलब आपको बोला फोर टू दावर पावर 256 तो ये नंबर ई वन है कि ऑर्ड है आपको ये देखना है तो ई वन है तो यूनिट डिजिट सिक्स पावर थ्री फिफ्टी वन ये कौन सा नंबर है ऑड तो यूनिट डिजिट नाइन ऐसे क्वेश्चन बनेंगे फ्रेंड अभी हम देखेंगे एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाए तो ये दो पॉसिबिलिटी वाले थे नाइन और फोर एक पॉसिबिलिटी में भी दो ही थे वन और सिक्स जीरो को गिनते नहीं जीरो टू दी पावर एनीथिंग इज जीरो ही होता ठीक है।, है तो चार नंबर के बारे में डिस्कशन हो गया अब बचे चार कौन कौन से टू थ्री अच्छा फाइव टू दी पावर एनीथिंग भी फाइव होता है इसमें फाइव भी आ जाएगा फाइव टू दी पावर एनीथिंग इज फाइव फाइव का स्क्वायर पच्चीस फाइव का क्यूब एक सौ पच्चीस फाइव टू दी पावर फोर छः सौ पच्चीस तो फाइव टू दी पावर एनीथिंग भी फाइव होता है तो जीरो से नौ बोले तो दस नंबर होते हैं तो उसमें से चार हो गए एक पॉसिबिलिटी के दो हो गए दो पॉसिबिलिटी वाले ठीक है अभी तीन बचे हैं एक बचा है टू का टू टू दी पावर वन टू होता है यूनिट डिजिट टू स्क्वायर फोर होता है यूनिट डिजिट टू क्यूब एट होता है यूनिट डिजिट टू टू पावर फोर सिक्सटीन होता है यूनिट डिजिट फिर टू टू दी पावर फाइव थर्टी टू टू आता है यूनिट डिजिट टू टू दी पावर सिक्स सिक्सटी फोर यूनिट डिजिट फोर आता है सॉरी फोर सिक्सटी फोर फिर टू टू दी पावर सेवन वन ट्वेंटी एट यूनिट डिजिट एट आता है टू टू दी पावर एट टू फिफ्टी सिक्स यूनिट डिजिट सिक्स आता है तो इसको बोलते हैं पावर साइकिल इसको आप सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं फ्रेंड्स इसको आप सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं ये सर्कुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं आप साइकिल है क्योंकि ठीक है साइकिल है ठीक है तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है पावर डिवाइड बाय पावर साइकिल रिमाइंडर मतलब जैसे अभी ये ट्वेल्व टू दावर वन जीरो टू फोर तो इसका यूनिट डिजिट होगा टू और इसकी पावर वन जीरो टू फोर तो पावर साइकिल चार की है एक दो तीन चार तो इसको आप चार से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर रहेगा वो तो क्या ये नंबर फोर से डिविजिबल होता है फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको याद होगी लास्ट दो नंबर चार से डिविजिबल होने को ना तो ट्वेंटी फोर को अगर फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जीरो आ जाता कहने का मतलब ये देखिए एक दो तीन चार ये साइकिल कंप्लीट हो गई तो वो रिमाइंडर हो गया एक रिमाइंडर आता था तो इधर दो इधर तीन इधर जीरो रिमाइंडर आया तो इधर मतलब ये आएगा और सिक्स टू दी पावर एनीथिंग इज तो इसका यूनिट डिजिट सिक्स आ जाएगा मतलब ये साइकिल ऐसे घूम फिर के जैसे आप घुमाएंगे तो ये वन जीरो टू फोर यहां पे आने वाला है तो इसका यूनिट डिजिट सिक्स अगर वन जीरो टू फाइव होता था तो यूनिट डिजिट ये आता था क्योंकि रिमाइंडर वन आता था अगर आप वन जीरो टू फाइव को डिवाइड करेंगे फोर से फोर टू या एट फोर फाइव या ट्वेंटी दो बचा फोर सिक्स या ट्वेंटी फोर रिमाइंडर वन बचा रिमाइंडर वन मतलब टू टू दी पावर वन टू अगर आप वन जीरो टू सिक्स लेते तो रिमाइंडर दो आता था तो चार आंसर आता था यूनिट डिजिट में अगर आप वन जीरो टू सेवन लेते थे तो रिमाइंडर थ्री आता था तो एट आता था यूनिट डिजिट में आंसर समझ रहे बात को जैसे ट्वेल्व क्यूब तो आप ट्वेल्व का क्यूब लेने की जरूरत नहीं आप सिंपली टू का क्यूब लीजिए मैं छोटे नंबर ले रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो कि ऐसा आता है क्या तो टू का क्यूब एट तो इसके यूनिट डिजिट में एट आएगा अगर आपको फ्रेंड शक हो रहा तो आप ट्वेल्व का क्यूब लेके देख सकते कैलसी में ठीक है ट्वेल का क्यूब आता है वन सेवन टू एट देख सकते हैं आप तो यूनिट डिजिट में एट आया लेकिन हमने कैलसी इस्तेमाल ही नहीं किया हमने क्या किया टू यूनिट डिजिट में टू है उसका क्यूब लिया तो एट हो गया आई बात समझ में तो इस तरह से ये रन किया जाता है ये पावर साइकिल टू की है ऐसे ही पावर साइकिल थ्री की है थ्री टू दी पावर वन थ्री थ्री स्क्वायर नाइन थ्री क्यूब सत्तावीस का सात थ्री टू दी पावर फोर एटी वन यूनिट डिजिट देखना है लास्ट डिजिट ठीक है कोई आप नंबर ले लो फिफ्टी थ्री और आप उसका क्या करो स्क्वायर करो तो आप यूनिट डिजिट लो थ्री और उसका स्क्वायर नाइन तो इसके यूनिट डिजिट में गारंटी नहीं आएगा फिफ्टी थ्री का स्क्वायर कैसे लेते तो मैंने आपको सिखाया था फिफ्टी से तीन बढ़ा है तो थ्री का स्क्वायर जीरो नाइन और पच्चीस पच्चीस पचास का आधा पच्चीस पच्चीस प्लस तीन अट्ठावीस ट्वेंटी एट जीरो नाइन होता है तो देख सकते हैं यूनिट डिजिट में नाइन हरा रहा ठीक है तो ऐसे आप किसी का भी देख सकते हैं आप बोलेंगे सर मेरे को नाइन्टी थ्री का देखना है नाइन्टी थ्री टू दी पावर थ्री देखना है तो आपको मालूम है यूनिट डिजिट कौन है थ्री थ्री का क्यूब सत्तावीस यूनिट डिजिट में सात आएगा मैंने आपको सिखाया था ये हंड्रेड में सात कम है ठीक है तो इसको कैसे करते ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो थ्री का क्यूब होता है सत्तावीस तो इसका यूनिट डिजिट सेवन आने वाला है अगर आपको शक है तो आप इसको केलसी पर भी रन करके देख सकते हैं आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है फ्रेंड ठीक है देख सकते हैं आप नाइन्टी थ्री का क्यूब एट जीरो फोर थ्री फाइव सेवन है यूनिट डिजिट सेवन आया यस तो हमने क्या किया यूनिट डिजिट का क्यूब ले लिया तो ये थ्री की पावर साइकिल है फ्रेंड ठीक है वैसे ही सेवन की पावर साइकिल है सेवन टू दी पावर वन सेवन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री सेवन का फोर में आखिरी यूनिट डिजिट वन आता है ठीक है तो ये सेवन की पावर साइकिल है और एट की एट टू दी पावर वन एट एट का स्क्वायर सिक्सटी फोर एट का क्यूब में टू आएगा यूनिट डिजिट एट टू दी पावर फोर सिक्स कोई भी बड़ा नंबर आया तो चार से डिवाइड करना रिमाइंडर जीरो आया मतलब सिक्स आएगा वन आया तो एट टू आया तो फोर थ्री आया तो टू तो ये पूरा पावर साइकिल का खेल है ठीक है तो ये पूरा पावर साइकिल का खेल है उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कीजिएगा ये सब नोट करते जाइए आप ये सब मैं कंसेप्ट दे रहा हूं इसके ऊपर प्रॉब्लम बनाएंगे अपन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर आपको बोला जाता है सम ऑफ टेन नंबर बताइए तो एन की वैल्यू टेन हो गई आपको दस नंबरों का सम बताना है तो एन की वैल्यू टेन।, टेन टेन प्लस वन इलेवन और ये टू टू फाइव हो जाए फाइव इंटू इलेवन फिफ्टी फाइव समझे इसको भी आप रन कर सकते हैं। सम ऑफ फाइव नंबर होना वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव आप ऐसे करते थे तो वन प्लस टू थ्री थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस फोर टेन टेन प्लस फाइव फिफ्टीन होता है तो वैसे ही इसमें एन की वैल्यू फाइव रख दीजिए फाइव प्लस वन सिक्स और ये टू टू वन जा थ्री जा फाइव इन थ्री फिफ्टीन आता है फिर सम ऑफ एन ऑड नंबर्स सम ऑफ एन ऑड नंबर्स ये आता है क्वेश्चन ये आया हुआ है क्वेश्चन सम ऑफ एन ऑड नंबर्स तो वो होता है एन स्क्वायर कैसे आप तीन ऑर्ड नंबर ले लो वन थ्री फाइव आपने तीन ऑर्ड नंबर लिए तो तीन का स्क्वायर नाइन आंसर आने को ना फाइव प्लस थ्री एट एट प्लस वन नाइन आप पांच ऑर्ड नंबर ले लीजिए वन थ्री फाइव सेवन नाइन तो एक और तीन चार चार और पांच नौ, नौ नौ और सात सोलह सोलह प्लस नौ पच्चीस आपने कितने ऑर्ड नंबर लिए कितने नंबर थे पांच तो पांच का स्क्वायर पच्चीस तो सम ऑफ एन ऑर्ड नंबर होता है एन स्क्वायर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये सब फार्मूले आपको ध्यान में रखने के फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसको आप मजाक में नहीं ले सकते फ्रेंड ये सब मैं आपको कीमती कंसेप्ट बता रहा हूँ ठीक है फिर मैंने कुछ दिन पहले ये प्रॉब्लम वीडियो लेक्चर में रखा इसका बहुत लोगों ने गलत आंसर दिए फिफ्टीन आंसर बोले लोगों ने बहुत नहीं फ्रेंड ये रेशो सीरीज है ठीक है इसमें हर नंबर को आपको टू बाय थ्री से मल्टीप्लाई करना है एटी वन इंटू टू बाई थ्री तो थ्री ट्वेंटी सेवन या ट्वेंटी वन होता है तो ये आ फिफ्टी फोर देख सकते हैं आप फिर फिफ्टी फोर को आप टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई कीजिए ठीक है ये रेशो सीरीज है तो थ्री कितने जा बीस में छबर अठारह जा अठारह छत्तीस देख सकते नंबर मिल गया फिर छत्तीस इंटू टू बाय थ्री तो ये बारह बारह दूनी चौबीस तो ये देखिए नंबर मिल गया अब चौबीस इंटू टू बाय थ्री कीजिए थ्री एट जा एट इंटू टू सिक्सटीन तो इसका आंसर सिक्सटीन था तो ये बहुत लोगों ने आंसर गलत किए इसलिए मैंने लिया फिर नंबर सीरीज आप बहुत प्रैक्टिस करते हो फ्रेंड फिर भी मेरी इच्छा होती है कि एक एक दो दो गणित में आपको कराऊ और वो भी अच्छे लॉजिक के साथ तो ये क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त लॉजिक वाला है ये आप खुद से ट्राई करें पहले वीडियो को पॉज करके नहीं आ रहा तो फिर मेरे से समझे बहुत ही जबरदस्त लॉजिक है फ्रेंड अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में उतर गया तो मैं आपको लिख के दे सकता सेवेंटी परसेंट इसके आंसर रॉन्ग करेंगे ठीक है अब ये बड़ा डिफरेंस दिख रहा क्या भाई पांच सौ से हजार हो गया पंद्रह सौ हो गया तो बड़ा डिफरेंस रहा तो मल्टीप्लीकेशन की सीरीज रहती ये बड़ा डिफरेंस नहीं है तो यहां पे प्लस माइनस का ही कुछ ना कुछ खेलूंगा तो आप देख सकते हैं अगर इसमें मैं बारह ऐड कर दू तो ये पांच सौ बत्तीस बन जाएगा पांच बीस में यदि मैं बारह ऐड कर दू पांच सो बत्तीस फ्रेंड आप अभी इनिशियल स्टेज पे आप ये मत सोचो कि ये एक मिनट में मेरे से सॉल्व हो जाए नहीं इनिशियल स्टेज में अच्छा समय देना एक बार लॉजिक डेवलप हो गया ना तो विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व हो जाता है विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होता है शुरुआत में समय लगता है फ्रेंड शुरुआत में आप एक ही इस इसमें अगर गाड़ी चलाएंगे तो भगाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा शुरुआत में समय लीजिए फिर समय लेने के बाद तो आप हाथ छोड़ के भी गाड़ी चलाते हैं चलाने को नहीं होना लेकिन एक एग्जाम्पल बता रहा आप पाँच से पाँच सौ कैसा बना ये सोचिए 532 से 508 कैसा बना तो दो 510 और दस और मतलब 24 चौबीस का फर्क हो गया मतलब ये माइनस ट्वेंटी फोर हो गया 532 सौ बत्तीस में अगर मैं ट्वेंटी फोर माइनस करूंगा तो 508 सौ आठ नहीं मिलेगा मिलेगा फिर देखिए क्या हो रहा है 508 सौ आठ से 544 सौ चौवालीस मिला कैसे दो और चौवालीस 508 सौ आठ में 508 सौ आठ के बाद दस चालीस uh, और उसके बाद चार कम चौबीस पांच सौ चौवालीस और ये 508 सौ आठ चौदह में से आठ गए छः फिर ये तीन ये कट गया तो थर्टी सिक्स तो 508 सौ आठ में अगर आप थर्टी सिक्स एड कर रहे हो तो फाइव फोर्टी फोर मिल रहा है मतलब यहां पे प्लस थर्टी सिक्स है बराबर तो अब ये एक्स क्या होगा पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस मतलब ये एक्स में कुछ ना कुछ माइनस होगा ठीक है सॉरी ये फाइव फोर्टी फोर में कुछ तो भी माइनस होगा जिससे अपने को ये एक्स मिलेगा तो देख सकते हैं बारह दुनी चौबीस चौबीस ठीक है बारह तिया छत्तीस तो बारह चौक अड़तालीस ठीक है तो इसमें अड़तालीस माइनस कीजिए आप ठीक है तो चौवालीस गए तो पांच सौ और चार गए तो फोर नाइनटी सिक्स तो इसका आंसर फोर नाइनटी सिक्स आने को होना ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फोर नाइनटी सिक्स पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर, फिर माइनस फिर ये बारह चौक अड़तालीस तो बारह पांचे साठ तो इसमें साठ अगर प्लस किया तो ये आता क्या देखो इसमें यह प्लस बारह माइनस चौबीस ये पैटर्न बारह चौबीस छत्तीस यह अड़तालीस फिर यह प्लस साठ ऐसा पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस ये बारह इंटू वन बारह ये बारह दुनी चौबीस देखिए कितना जबरदस्त क्वेश्चन है ट्वेल्व इंटू थ्री थर्टी सिक्स ट्वेल्व इंटू फोर फोर्टी एट ट्वेल्व इंटू फाइव सिक्सटी बराबर चार सौ छियानबे में अगर आप साठ ऐड कर देंगे तो आपको बराबर फाइव फिफ्टी सिक्स मिलेगा फ्रेंड मतलब लॉजिक है लॉजिक है पहला ट्वेल्व ऐड हुआ फिर चौबीस घट गया फिर छत्तीस ऐड हो गया फिर अड़तालीस घट गया फिर साठ ऐड हो गया जबरदस्त क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है थोड़ा सा देखिए रिवाइंड करके देखिए नहीं समझ में आ रहा तो हमने क्या सोच किया शुरुआत कैसे की कि 520 में क्या ऐड करूं तो 532 बनेगा 12 फिर 532 में क्या माइनस करेंगे जो 508 बनेगा तो 24, फिर 508 में क्या ऐड करेंगे तो 544 बनेगा 36 तो पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस 12 इंटू वन बारह बारह दुनी चौबीस बारह तिया छत्तीस बारह चौक अड़तालीस तो अब 48 माइनस करेंगे तो 496 आएगा फिर अगली बार क्या करेंगे प्लस तो 12 पांचे साठ तो 496 में साठ ऐड किया तो 556 तो जबरदस्त क्वेश्चन था ये नंबर सीरीज के दो क्वेश्चन अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था वापस उस पर आएंगे इसका यूनिट डिजिट बताइए इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम होते हैं। देखिए नंबर क्या है फोर नाइन टू थ्री सेवन इंटू थ्री नाइन नाइन फाइव इंटू सेवन थ्री एट इंटू एटी थ्री इंटू नाइन इसका यूनिट डिजिट तो आपको यूनिट डिजिट होना लास्ट डिजिट होना तो पूरा ध्यान लास्ट डिजिट पे होगा पूरा ध्यान लास्ट डिजिट पे होगा कहीं और आपको ध्यान देना नहीं है तो सेवन इंटू फाइव इंटू एट इंटू नाइन अब आपको मान पता है कि फाइव इंटू टू जीरो होता है जीरो इंटू पूरा गांव जीरो मतलब टू इंटू फोर होता है एट तो मतलब का मतलब टू इंटू फोर एट होता है एट को मैं टू इंटू फोर लिख सकता हूं यस yes. तो फाइव इंटू टू टेन जीरो जीरो इंटू एनीथिंग जीरो तो इसका अंदर जीरो बहुत लोग क्या करते हैं फ्रेंड देखिए मैंने कितना फास्ट सॉल्व किया आपको कंपनी के एप्टीट्यूड में बहुत कम समय मिलता है फ्रेंड आपको तीस सेकंड में ये गणित सॉल्व करना है तो अपने को यूनिट डिजिट की वैल्यू पूछिए इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट इज क्वेश्चन है ले लिया, अब इसको कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है मैंने आपको बताया था फाइव इंटू टू आ गया मतलब जीरो बन गया तो यूनिट डिजिट हमेशा जीरो रहेगा मैंने बताया था जीरो फाइंड द नंबर ऑफ जीरो में फाइव इंटू टू मिलकर जीरो बनता है तो यूनिट डिजिट जीरो मल्टीप्लाई करके भी दे सकते पैतीस इंटू दो सत्तर टू एटी टू एटी इंटू नाइन करके देख सकते नाइन जीरो, जा जीरो तो डिजिट जीरो ही मिलना है तो जबरदस्त क्वेश्चन था फ्रेंड इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं अब आपको पूछा है फाइंड यूनिट डिजिट वैल्यू ऑफ टू दी पावर वन जीरो टू फोर वन फाइव टू वन फोर तो टू की पावर साइकिल बताए टू टू पावर वन टू टू स्क्वायर फोर टू क्यूब एट टू टू पावर फोर सिक्सटीन सिक्स ये साइकिल रिपीट होती है तो क्या ये नंबर फोर से डिविजिबल है मैंने आपको फोर की डिविजिबिलिटी टेस्ट बताई थी दोस्तों वो नंबर फोर से डिवाइड होता है जिसमें लास्ट दो डिजिट फोर से डिविजिबल हो क्या चौदह को अगर आपने फोर से डिवाइड किया तो क्या रिमाइंडर आएगा फोर थ्री या ट्वेल्व तो रिमाइंडर इज टू जीरो रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू रिमाइंडर थ्री रिमाइंडर बताया था मैंने जीरो रिमाइंडर वन रिमाइंडर टू रिमाइंडर तो ये फोर इसका यूनिट डिजिट फोर आएगा यूनिट डिजिट वैल्यू इज फोर समझ में आया आपको अरे हो कि नहीं इसकी पावर साइकिल चार है एक दो तीन चार अगर कोई नंबर चार से कंप्लीट डिविजिबल हो गया मैंने आपको बताया था अगर आपको समझना है तो टू टू दी पावर सिक्स लीजिए सिक्स को अगर आपने चार से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आता है दो तो टू स्क्सिट फोर सबको बताया टू टू दी पावर की वैल्यू कितनी होती है देखिए इस तरह से आप समझ सकते हैं तो 14 को अगर आपने डिवाइड किया टू टू दी पावर फोर्टीन यूनिट डिजिट टू है आप यूनिट डिजिट लीजिए टू टू पावर फोर्टीन आपको रन करने का है तो फोर्टीन को अगर अपन ने डिवाइड किया फोर से तो क्या आता है रिमाइंडर दो तो ये हो जाएगा टू स्क्वायर मतलब फोर फोर्टीन को आप ऐसा भी लिख सकते टू टू दी पावर फोर्टीन को आप लिख सकते टू टू दी पावर फोर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व और ये टू स्क्वायर लो आप इंडेस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस टू फोर्टीन मल्टीप्लीकेशन में टू टू टर्म सेम है पावर के एडिशन टू टू दी पावर फोर्टीन को आप ऐसा भी लिख सकते अब आपको पता है टू टू पावर फोर की वैल्यू क्या होती है सिक्स सिक्स टू दावर एनीथिंग इज बापा टू बॉर एनी थिंग सिक्स टू स्कोय फोर सिक्स इंटू फोर चौबीस चार यूनिट डिजिट चार बहुत तरीके हैं फ्रेंड बहुत तरीके हैं कैलकुलेट करने के क्या बोला मैंने आपको यूनिट डिजिट पे ध्यान दो यूनिट डिजिट पे तो टू दी बार फोर्टीन है तो मैंने क्या बोला पहला पहला फंडा क्या बोला फोर्टीन को आप फोर से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर क्या आ रहा है टू तो टू स्क्वायर फोर फोर यूनिट डिजिट ये पहला तरीका दूसरा तरीका मैंने आपको बोला इसको स्प्लिट करके लिखो तो टू टू दी पावर फोर चार की पावर साइकिल है तो चार में लिखेंगे तो आपको पता है लो लोअ इंडाइसिस ए टू दी पावर यम टू दी पावर तो into yan, mn, तो ये हो गया फोर इंटू थ्री ट्वेल्व लेकिन चौदह है तो इंटू टू स्क्वायर लो लोअ इंडा मल्टीप्लीकेशन में ए ए टर्म सेम है तो पावर का एडिशन होता तो टू टू दी पावर फोर्टीन को टू टू दी पावर बारह टू स्क्वायर लिख सकते बारह प्लस दो चौदह तो बारह बोले तो टू टू दी पावर फोर इंटू थ्री और ये टू स्क्वायर अब टू टू दी पावर फोर क्या होता है सिक्स सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज अभी मैंने पावर साइकिल बताई सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज सिक्स टू दावर एनी थिंग इज सिक्स सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज सिक्स सिक्स टू दी पावर एनी थिंग इज ये सिक्स का क्यूब सिक्स टू दावर एनी थिंग इज सिक्स तो सिक्स टू स्क्वायर फोर सिक्स इंटू फोर ट्वेंटी फोर तो यूनिट डिजिट फोर हो गया एक और क्वेश्चन देखेंगे टेंशन मत लो जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे फ्रेंड जितना खेलेंगे उतना सीखेंगे चलो क्या पूछ रहा वो इसका फाइन द डिजिट इन द यूनिट प्लेस सबका यूनिट डिजिट उठा लो सबका यूनिट डिजिट उठा लो सबका यूनिट डिजिट उठा लो वन टू दी पावर एट वन टू दी दॉर नाइन सिक्स टू दी पावर हंड्रेड सबका यूनिट डिजिट उठा लो सबका यूनिट डिजिट जस्ट वी हैव टू फाइंड द यूनिट डिजिट फाइव टू दी पावर पैंतीस सिक्स टू दी दावर फोर नाइन का क्यूब वन टू दी पावर एनीथिंग जल्दी जल्दी वन टू दी पावर एनीथिंग वन टू दी पावर एनीथिंग थिंग वन सिक्स टू दी पावर एनीथिंग एनी थिंगाइव टू दी पावर एनीथिंग फाइव वन टू दी पावर एनीथिंग इज वन वन टू दी पावर एनीथिंग इज वन सिक्स टू दी पावर एनीथिंग इज सिक्स फाइव टू दी पावर एनीथिंग इज फाइव सिक्स टू दी पावर एनीथिंग इज सिक्स नाइन नाइन में दो पॉसिबिलिटी है ऑड पावर और इवन पावर नाइन की ऑड पावर ऑड नंबर में छोटा नंबर कौन सा है वन नाइन टू दी पावर वन नाइन याद नहीं है तो नाइन की इवन पावर नाइन स्क्वायर एटी वन यूनिट डिजिट वन तो ये नाइन का कौन सा नंबर है थ्री थ्री क्या होता है दोस्तों ऑड नंबर ऑड नंबर बोले तो ऑड नंबर बोले तो नाइन अब एडिशन आता है कि नहीं नौ में से छे गए तीन तीन प्लस पांच आठ आठ में से छे गए दो दो प्लस दो चार. इसका यूनिट डिजिट फोर आंसर इज फोर समझ में आया दोस्तों सबका यूनिट डिजिट उठा लिया हमने वन टू दी बार नाइनटी एट वन टू दी बार नाइन सिक्स टू दी बार हंड्रेड फाइव टू दी बार पैंतीस सिक्स टू दी बार फोर नाइन क्यूब वन टू बार हनी सिंह वन वन टू दी बार हनी सिंह वन वन टू दी बार हनी सिंह वन सिक्स टू दी बार हनी सिंह सिक्स सिक्स टू दी बार हनी सिंह सिक्स फाइव टू बार हनी सिंह फाइव सिक्स टू दी बार हनी सिंह सिक्स नाइन में दो पॉसिबिलिटी है नाइन में दो पॉसिबिलिटी है नाइन में दो पॉसिबिलिटी है ऑड पावर नाइन इवन पावर वन इन में दो पॉसिबिलिटी है ऑड पावर है थ्री तो नाइन आएगा एडिशन करो नौ प्लस पांच चौदह चौदह में से छह गए आठ में से गए छ दो, दो प्लस दो चार चलो और एक क्वेश्चन लेंगे और एक क्वेश्चन लेंगे सबका यूनिट डिजिट देखो सबका यूनिट डिजिट वो बोल रहे टू वन वन टू दावर एट सेवनटी प्लस वन फोर्टी सिक्स टू दी पावर वन ट्वेंटी सेवन इन टू प्लस और इन टू पे ध्यान दो एग्जाम में लोग ध्यान नहीं देते इन टू है अभी थ्री टू दी बार फोर ट्वेंटी फोर चलो सबका यूनिट डिजिट उठाओ वन टू दी बार एट सेवेंटी पहली स्टेप सबका यूनिट डिजिट ले लो सिक्स टू दी बार वन ट्वेंटी सेवन और थ्री टू दी फोर वन टू दी बार एनी थिंग इज वन सिक्स टू दी बार एनी थिंग इज सिक्स अब थ्री की पावर साइकिल है थ्री की पावर साइकिल है थ्री टू दी बार वन थ्री थ्री स्क्वायर नाइन थ्री क्यूब सत्तावीस थ्री टू दी पावर फोर एटी वन यूनिट डिजिट वन ये पावर साइकिल है ये पावर साइकिल है ये पावर साइकिल है कितने की पावर साइकिल है चार की फिर थ्री टू दी बार फाइव आया तो थ्री थ्री टू दी बार सिक्स आया तो नाइन थ्री टू दी बार सेवन आया तो सेवन थ्री टू दी बार एट आया तो वन कैलसी चला के देख सकते शक है तो शक का कोई इलाज नहीं है फ्रेंड थ्री टू दी पावर एट देख सकते हैं आप कैलसी पे सिक्स फाइव सिक्स वन वन आता ठीक है तो ये पावर साइकिल है तो क्या ये फोर ट्वेंटी फोर चार से डिवाइड है अरे भाई चार की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है आखिरी के दो नंबर चार से डिविजिबल होने को ना तो चार को अगर मैं डिवाइड करूं तो फोर सिक्स ट्वेंटी फोर तो रिमाइंडर क्या आएगा जीरो जीरो रिमाइंडर मतलब वन यूनिट डिजिट में बन आएगा सिक्स इंटू वन सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन धोनी का सेवन आंसर आज सेवन सेवन का दिन है वीडियो लेक्चर भी सेवन है आंसर भी सेवन है देखिए फ्रेंड थ्री की पावर साइकिल है मैंने अभी आपको समझाया आप ऐसा भी लिख सकते हैं थ्री टू दी पावर फोर इंटू एक सौ चौबीस तो फोर इंटू कितना होता तो एक सौ छः आई थिंक ठीक है अब थ्री टू दी पावर फोर क्या होता है ऐसा भी लिख सकते हैं आप देखो थ्री टू पावर फोर ट्वेंटी फोर है तो लो आप इंडाइसिस ए टू दी पावर एम एन को ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन लिख सकते अपन मैथ्स वाले अपने, अपने तो मेरे को बताओ एक सौ छ इन टू चार कितना होगा चार देखो 106 सौ छ इंटू चार चार यस थ्री टू पावर फोर की वैल्यू कितनी है वन वन टू दावर एनी थिंग इज वन तो वन आ गया देखो वन आ गया ऐसा भी कर सकते आप ओके okay, फ्रेंड्स तो इसका आंसर हो गया सेवन सिक्स टू दी बार एनीथिंग सिक्स सिक्स इन टू वन सिक्स प्लस वन सेवन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है फ्रेंड बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है लोग इतनी महंगी महंगी क्लासेस लगाते फिर भी ऐसे प्रकार के चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिलते ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मोटिफिकेशन अपना मोटिवेशन बढ़ाइए फीडबैक लिखिए अच्छे ताकि आपके जूनियर जो आपके जो दूसरे फ्रेंड है उनको भी पता चले कि पांच पांच छह लगाने के बाद भी वो नॉलेज नहीं मिलता जो अपने को फ्री में मिल रहा ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए मैं आपको एक मिनट का समय देता हूं एक मिनट आपको है उसके बाद फिर मैं सॉल्व करूंगा मैं जब तक क्वेश्चन रीड करता हूँ टू फोर सिक्स फोर टू दावर वन सेवन नाइन थ्री इंटू छ्री टू दी पावर वन सेवन वन थ्री वन टू दी पावर फोर्टी नाइन फाइन द यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट भी बोलते हैं द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट सबका यूनिट डिजिट उठाओ फोर टू दावर वन सेवन नाइन थ्री ये समझने के लिए लिख रहा हो ऐसे इतना लिखना नहीं चाहिए फिर फाइव टू दावर थ्री वन सेवन फिर वन टू दी पावर फोर्टी नाइन सबका यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट की बात चल रही है यूनिट डिजिट बोले तो लास्ट डिजिट सबको बता है वन टू दी पावर एनीथिंग इज वन फाइव टू दी पावर इज़ देंगे अब फोर का क्या रूल है तो फोर में इवन पावर ऑड पावर का कंसेप्ट है फोर में ऑड पावर फोर टू दी पावर वन फोर ऑड नंबर सबसे छोटा वन है तो फोर टू दी पावर वन इवन पावर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फिर फोर क्यूब फोर इंटू फोर सिक्सटीन सिक्सटीन इंटू फोर सिक्सटी फोर ऑड पावर है थ्री तो फोर आता फिर फोर टू दी पावर फोर टू फिफ्टी सिक्स सिक्स आता तो फोर वाले में दो पॉसिबिलिटी है इवन नंबर है तो सिक्स लिखने का है ऑड नंबर है तो चार लिखने का है मेरे को बताओ वन सेवन नाइन थ्री ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है तो जो भी नंबर वन थ्री फाइव सेवन नाइन से खत्म होता है वो ऑड नंबर होता है तो ये वन थ्री फाइव सेवन नाइन से खत्म हो रहा है खत्म हो रहा ये है ये ऑड है फोर टू दी पावर ऑड इज फोर तो फोर इंटू फाइव ट्वेंटी फोर इंटू फाइव ट्वेंटी यूनिट डिजिट देखने का ट्वेंटी नहीं देखने का ट्वेंटी नहीं जीरो जीरो इंटू वन जीरो यूनिट डिजिट इज जीरो आया समझ में सबका यूनिट डिजिट देखना है दोस्तों आपको सबका यूनिट डिजिट देखने का है सबका यूनिट डिजिट देखने का है फोर टू दी पावर ऑट पावर इज फोर वन टू दी पावर एनी थिंग इज वन टू दी पावर एनी थिंगाइव ट्वेंटी जीरो जीरो इंटू वन जीरो ठीक है एक और चांस है आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर बताइए जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं टू वन सेवन टू वन सेवन वन टू दावर सेवन टू वन सेवन टू टू दावर नाइन टू वन सेवन थ्री टू दावर इलेवन टू वन सेवन फोर टू दी पावर थर्टीन कौन सा नंबर चाहिए लास्ट डिजिट लास्ट डिजिट क्या है यूनिट डिजिट लास्ट डिजिट कौन होता है यूनिट डिजिट होता है लास्ट डिजिट का ही दूसरा नाम यूनिट डिजिट है तो वन टू पावर जैसे शक्तिमान का ही दूसरा नाम गंगाधर वैसे ही लास्ट डिजिट का ही दूसरा नाम यूनिट डिजिट वन टू दी पावर एनीथिंग इज वन टू की पावर साइकिल है टू की पावर साइकिल है टू की पावर साइकिल है नाइन को चार से डिवाइड करो फोर टू जा एट रिमाइंडर वन तो टू टू दी पावर वन इज टू फिर थ्री टू दी पावर इलेवन तो थ्री का भी पावर साइकिल है इलेवन को फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्री थ्री जा नाइन रिमाइंडर आता टू टू बोले तो नाइन फिर फोर फोर में ऑड नंबर इवन नंबर है ये तेरा क्या है ऑड नंबर फोर टू दी पावर ऑड इज फोर तो नौ प्लस चार तेरह तेरह प्लस दो पंद्रह पंद्रह प्लस एक सोलह तो यूनिट डिजिट क्या हो गया सिक्स आंसर सी इज द आंसर देखिए फ्रेंड वन टू दी दी एनीथिंग इज टू दिंग यूनिट डिजिट देखिए आप मैंने डायरेक्ट लिखा अभी नहीं समझता तो आप ऐसा लिखिए वन टू दी दर सेवन टू टू पावर नाइन थ्री टू दी पावर दिलेवन फोर टू दी पावर दर्टीन ऐसा लिखिए वन टू दी पावर एनीथिंग इज वन फोर का हॉड पावर अभी बताया फोर का आर्ड पावर फोर तेरह ऑर्ड नंबर है तो फोर्थ का ऑर्ड पावर कितना होगा फोर ठीक है ये दो क्लियर हो गए टू का पावर साइकिल बताया था अरे टू का पावर साइकिल बताया था टू टू दी दॉर वन टू टू स्क्वायर फोर टू क्यूब एट टू टू दी बॉर फोर सिक्सटीन फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन पे क्या आएगा टू फिर थ्री टू दी बॉर इलेवन थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन सेवन आने वाला है सॉरी फोर से डिवाइड करेंगे फोर से डिवाइड करेंगे सॉरी सात प्लस चार ग्यारह ग्यारह और तीन चौदह सॉरी फोर आएगा आंसर सॉरी आंसर इज फोर गलती हो गया मैंने तीन से डिवाइड कर दिया इलेवन को चार से डिवाइड करेंगे फोर टू या एट रिमाइंडर थ्री तो थ्री क्यूब सत्ताविस आएगा ठीक है फ्रेंड आप देख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन इलेवन पे सेवन आएगा ठीक है फोर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर थ्री आएगा तो सात प्लस चार ग्यारह ग्यारह तीन चौदह यूनिट डिजिट इज फोर यूनिट डिजिट इज फोर बी बॉम्बे इज द आंसर तो ऐसे आपको खेलना है फ्रेंड जितना आप खेलेंगे उतना सीखेंगे आज मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लाए आपके लिए आज आप बहुत खेलेंगे इतना जान देके आपको कोई भी टीचर फ्री में नहीं पढ़ाएंगे दोस्त लोग पाँच, पाँच छः छः हजार लेके भी ऐसे चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं सिखाते थ्री इंटू थर्टी एट इंटू फाइव थर्टी सेवन इंटू वन टू फाइव सिक्स फाइंड द यूनिट डिजिट इसका यूनिट डिजिट पूछा है सबका यूनिट डिजिट ले लो थ्री एट सेवन सिक्स ठीक है तो सबको बताए थ्री इंटू एट ठीक है एक काम करो एट इंटू सिक्स फोर्टी एट सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन यूनिट डिजिट शन नहीं करना एट इंटू सिक्स इंटू थ्री ट्वेंटी आपको शक है फ्रेंड ये टेक्निक पे तो आप कैलसी चला सकते थ्री इंटू थर्टी एट इंटू फाइव थर्टी सेवन इंटू वन टू फाइव सिक्स देख सकते आप यूनिट डिजिट क्या आ रहा? देख सकते आप यूनिट डिजिट एट आ रहा है कि नहीं आ रहा है देखिए आया कि नहीं थ्री इंटू सबका यूनिट डिजिट ले लीजिए थ्री एट सेवन सिक्स ठीक है तो फिर एट इंटू सिक्स कितना हो गया फोर्टी एट सेवन इंटू थ्री ट्वेंटी वन वन इंटू एट एट है कि नहीं शॉर्टकट ये ट्रिक्स आपको डेवलप करनी है आपके अंदर देख लीजिए हम तीस सेकंड में प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे कि नहीं कितने आसानी से कितना फास्ट सॉल्व कर पा रहे कि नहीं <coughs> चलो एक और क्वेश्चन सिक्स थर्टी थ्री टू दावर ट्वेंटी फोर टू सेवेंटी सेवन टू दी पावर थर्टी एट टू सिक्सटी सिक्स टू दी पावर फिफ्टी फोर ठीक है क्या चाहिए व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स ये जो एक्स आंसर आने वाला है इसका मेरे को पूरा आंसर नहीं चाहिए मेरे को यूनिट डिजिट चाहिए लास्ट डिजिट चाहिए तो सबका यूनिट डिजिट लीजिए थ्री टू दी पावर ट्वेंटी फोर सेवन टू दी पावर थर्टी एट मेरे को मालूम है. का कोई भी पावर सिक्स होता है सेवन का क्या होता है पावर साइकिल है सेवन टू दी पावर वन सेवन सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन नाइन सेवन का क्यूब थ्री फोर्टी थ्री थ्री सेवन टू दावर फोर आई थिंक वन होता है चेक कर लेते वन होता है यस टू फोर जीरो वन तो ये पावर साइकिल है चार की तो आप मेरे को बताओ ये अड़तीस चार से डिवाइड होता है क्या फोर नाइन या थर्टी सिक्स तो रिमाइंडर दो मतलब नाइन आने वाला है फिर थ्री थ्री की भी पावर साइकिल है थ्री टू दी पावर वन थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब थ्री टू दॉर फोर ये थ्री होता है ये नाइन होता है ये सत्ताइस का सात ये इक्यासी का आठ तो ये चौबीस तीन चार से डिवाइड होता है क्या हो तो कंप्लीट तो डिविजिबल है क्या नहीं तो ये बात याद रखिए इस प्रॉब्लम में नई बात मैं आपको सिखा रहा हूं यहां तक समझ में आ गया क्या पहले फिर मैं आपको नई बात बताऊंगा सिक्स टू दी बार हनी सिंह सिक्स सेवन की पावर साइकिल है वन टू थ्री फोर फिर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन ऐसे थर्टी सिक्स यहाँ पे आएगा फिर थर्टी सेवन थर्टी एट तो ये नाइन आएगा ठीक है चक्र व्यू है तो रिमाइंडर दो आया तो ये रिमाइंडर तीन आया तो ये रिमाइंडर चार या जीरो या एट या ऐसे आया जीरो फोर एट ट्वेल्व जो ये फोर के मल्टीपल है वो आया तो ये वन होएगा वन आया रिमाइंडर तो ये टू ये ठीक है तो पूरा कोई भी नंबर को चार से डिवाइड करेंगे तो तीन रिमाइंडर आएंगे जीरो वन टू थ्री ये याद रखना कोई नंबर को पांच से डिवाइड किया तो चार रिमाइंडर पांच रिमाइंडर आते जीरो वन टू थ्री फोर कोई नंबर को छह से डिवाइड किया तो छह रिमाइंडर आते जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सॉरी सिक्स से डिवाइड किया तो फाइव तक सेवन से डिवाइड किया तो सिक्स तक ऐसे तो अभी ऐसे माइनस में आंसर नहीं आता तो जब भी ऐसे माइनस में आंसर आता, उसको 10 तो, 10 में तो, आता तो उसको टेन से एड करना तो टेन में से टू गए तो इसका सेवन आंसर आता था माइनस फोर आता था तो टेन से एड करते थे तो सिक्स आंसर होता था समझो माइनस फाइव आता था तो टेन से एड करते थे तो फाइव आता था समझो माइनस सिक्स आता था तो टेन से एड करते तो फोर आता था समझो माइनस सेवन आता था तो टेन से एड करते थे तो ठीक है ना क्योंकि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं आती तो यह भी बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये वाला एग्जाम्पल कोई भी नहीं लेते लोग जिसमें यूनिट डिजिट माइनस में आती ये मैं आपको बहुत खास एग्जाम्पल बता दी अब मैं आपको ये दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए दे रहा हूं फाइन द लास्ट डिजिट ऑफ नाइन टू दी पावर नाइन टू दी पावर नाइन वैसे तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है नाइन का ऑड पावर नाइन होता है नाइन का इवन पावर तो मेरे को बताओ नाइन टू दी पावर नाइन की वैल्यू ऑड होगी कि इवन होगी अरे भाई नाइन टू दी पावर नाइन टू दी पावर वन नाइन नाइन स्क्वायर एटी वन नाइन क्यूब सेवन ट्वेंटी नाइन तो हमेशा ऑड ही नंबर आते ना तो आप लगे तो कैलसी जला के देख लो देखो नाइन तो नाइन का ऑड पावर हमेशा नाइन होता है ठीक है तो ये इसका आंसर क्या होगा नाइन ये वैल्यू ऑड है फ्रेंड तो नाइन का ऑड पावर होता है नाइन विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व होता बहुत लोग एग्जाम में हैंग होते टू टू दी दी पावर पावर कसा क्वेश्चन आला ली होता कंसेप्ट माइज पाइजे नाइन टू दी पावर ऑड नाइन नाइन टू दी पावर इवन वन तो ये नाइन टू दी दॉर नाइन की वैल्यू हमेशा ऑड होने वाली है इसका आंसर आपको बताने का है ट्वेंटी टू टू दी पावर एटी एट एटी एट टू दी बावर ट्वेंटी टू देखते कौन स्टूडेंट इसका आंसर भेज पाएंगे तो आज हमने बहुत सारे एग्जाम्पल रन किए और भी एग्जाम्पल है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे उम्मीद है आपको वीडियो लेक्चर पसंद आई होंगी पावर साइकिल का कंसेप्ट समझ में आया होगा जो जो मैंने यूनिट डिजिट वैल्यू के बारे में बातें बताई वो समझ में आई होंगी तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करो फ्रेंड्स को शायद शेयर करो सब्सक्राइबर बढ़ाओ ताकि आगे चल के हम लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पे ले सके थोड़ा सा आपके हेल्प की जरूरत है सपोर्ट की जरूरत है फ्रेंड्स अपना सपोर्ट बढ़ाइए और फ्री में मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ ये सब टॉपिक मैं आपको फ्री में ऐसे ही कंसेप्ट हर टॉपिक में आपको बताऊंगा रेशो प्रपोर्सन में परसेंटेजेस में सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम डिस्टेंस में बोट स्ट्रीम के प्रॉब्लम बहुत बातें मैं आपको सिखाऊंगा फ्रेंड्स तो बस चैनल के साथ जुड़ी रहिए और वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू फ्रेंड्स